नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज खुजनेर नगर में भी नगरी निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्री बापू सिंह तंवर व जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष ललित मोहन सुस्तानी की मौजूदगी में एक आवश्यक मीटिंग रखी, जहां मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खुजनेर ने शहर में आगामी नगरी निकाय चुनाव की हलचल जबरदस्त जोरों पर है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को समेटने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज नगर खुजनेर में भी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम गोपाल पाटीदार ने बताया कि खुजनेर नगर के अंदर में विगत कई चुनावों से नगर परिषद में कांग्रेस का जो सूफा देख रही है, उस वनवास को खत्म करने के लिए और कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे नेता व पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी व कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव में इस चुनाव को जीतकर हम आरडी चुनाव में भी अपने क्षेत्र और पूरे जिले से कांग्रेस के विधायक को मजबूत करेंगे और पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आसिफ मंसूरी वार्ड क्रमांक 6 से कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का दावेदार हूँ। विगत 15 वर्षों से मैंने पार्टी से 3 मर्तबा टिकट मांगा, मगर कारणवश किसी वजह से मेरा टिकट नहीं मिला और अब फिर मैं टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर पार्टी टिकट देती है तो मैं वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। अगर देती है तो अगर पार्टी किसी और को प्रत्याशी बनाती है तो मैं उसके साथ भी तनमन धन के साथ सहयोग करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर यूँ तो कहा जाता है कि मानसून की दस्तक होने को है और बूंदाबांदी भी हो रही है, ठंडी और गर्म हवाएं भी चल रही है। लेकिन इस वक्त ठंडी और गर्म हवाएं चल रही है तो वो चुनावी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो या नगरी निकाय या नगर निगम के चुनाव हो, सभी राजनीतिक दलों ने जो है अपनी अपनी जो है कार्यकर्ताओं को समेटना शुरू कर दिया है। देश की दो बड़ी पार्टी इस वक्त, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार केंद्र के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर उनके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे पुरानी पार्टी जिनका अपना एक इतिहास है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिसके दिग्गज नेता रामगोपाल पाटीदार आज हमारे साथ खुजनेर नगर के अंदर मौजूद है। हम उनसे नगरी निकाय चुनाव को लेकर एक लंबी चर्चा करेंगे। सर, आज तक 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। यादव नेता कांग्रेस पार्टी खुजनेर, नगरी निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कल हमारे खुजनेर में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी बैठक हुई। उसमें आदरणीय सम्माननीय हमारे जिला अध्यक्ष महोदय पधारे थे, साथ ही हमारा युवा विधायक भाई बापू सिंह जी तंवर साहब राजगढ़ से पधारे थे। उनके नेतृत्व में हमारी बैठक हुई। वो बैठक बहुत सही तरीके से हुई और कांग्रेस पार्टी की उस बैठक के हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव दोनों साथ साथ ही हो गए हैं वो, तो और दोनों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, पहले से बेहतर स्थिति है। क्योंकि पहले तो जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो जनता की चुनी हुई सरकार को है जो खरीद फरोख करके खरीदा था और उन्होंने गिराई थी, लेकिन उसका परिणाम सामने आगा और वापस पुनः कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय हमारे नेता भाई राजा साहब और हमारे प्रदेश के नेता भाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब जगह विजय रहेंगे। नगरी निकाय, नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत में तो एक तरफा मामला कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे नगर परिषद में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी, क्षेत्रीय विधायक बाबू सिंह तंवर साहब, पूर्व जनपद अध्यक्ष ललित जी सुस्तानी के नेतृत्व में आज नगरीय निकाय के चुनाव के संबंध में वही मीटिंग रखी गई थी नगर खुजनेर में।
उसके संदर्भ में हम राय साहब का हाथ मजबूत करने के लिए बिल्कुल तन और मन धन से हमारी कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। हमारे जिले के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रकाश पुरोहित जी, उनके नेतृत्व में पूरे जिले में सारी सीटों पे हम कब्जा करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सक्रिय और एक पंडित परिवार से आते हैं। सर, खुजनेर नगर परिषद काफ़ी लंबे समय से आप जो है सूखा आपकी तरफ से देखा जाता है, वो सूखा क्या खत्म होगा इस मर्तबा? जो लंबे समय से बीजेपी का कब्जा हमारी नगर पंचायत खुजनेर में है, हम उसको बिल्कुल समाप्त की ओर है। इस बार हम तन और मन धन से और कांग्रेस पार्टी पूरे एकजुटता के साथ हम उनका संघर्ष करेंगे और उनको हराएंगे, क्योंकि उनकी नीतियाँ और रीतियाँ पूरी जनता के खिलाफ है। जनता के मन की बात वो नहीं करते हैं, वो उनके खुद के मन की बात करते हैं। पार्टी में कोई गुटबाजी? सर, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर काम कर रही है। हमारे जिले, हमारे विधानसभा के तीन नेता बड़े लीडर हमारी छोटी सी मीटिंग में खुजनेर पधारे, उनके नेतृत्व में हमें कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और हम सारे पे कब्जा करेंगे। साथ में डबल जिम्मेदारी है आपके ऊपर, ग्राम पंचायतों के अंदर भी चुनाव होने, जनपद, जिला पंचायत, सरपंच, पंच के, तो आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, शहर की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है और ग्राम की भी आपके ऊपर जिम्मेदारी, कैसे दोहरी चुनौती का सामना करेंगे आप? हम पहले 15 घंटा काम करते थे, 18 घंटा काम करेंगे। मैं रामगोपाल पाटीदार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की ओर मैं बता रहा हूँ कि पूरी सक्रियता से ग्रामीण क्षेत्र में भी पूरा समय देंगे और नगरीय क्षेत्र में पूरा समय देंगे और पूरी पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे और ऐसा आपके हाथ मजबूत करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए आपका कोई दावे, मतलब जो है नाम सामने, या पार्टी जिसे तय कर दे? नहीं, 15 पार्षद जिसमें से जीत के आएंगे, 15 पार्षद की जो कैबिनेट बनेगी उनमें से हम एक हमारा अध्यक्ष चुनेंगे, उसमें कोई जिसको भी पार्टी अधिगत करेगी उसको हम जिताएंगे। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो क्या आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे? नहीं, पार्टी किसको चाहती है ये मैंने बोला है कि पार्टी किसको चाहती है, जिसको भी बनाएंगे हम उसका समर्थन करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।